नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेटे ने डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतारा पिता, थुरल के घुड़बल्ल में खूनी वारदात। हिमाचल के 11.5% लोगों को शुगर ने जकड़ा, 31.2% हिमाचलियों को हाई ब्लड प्रेशर ने घेरा। रथ यात्रा 15 अप्रैल से, सीएम जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश के लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेगी सरकार। पर्यटकों के लिए खुला स्पीति, 17 फरवरी से आ जा सकेंगे सैलानी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्या हुई प्रोग्रेस, 12 फरवरी को होगी समीक्षा। कोचिंग सेंटर के लिए एसओपी, अभिभावकों की एनओसी पर ही आ सकेंगे छात्र। भारतीय सेना में युवाओं को भर्ती का मौका, ऊना में होंगी भर्तियां। 10 फरवरी से पहले वेतन ना मिला तो नहीं करेंगे काम, एचआरटीसी कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम। बर्फबारी से पहले तपा शिमला, दिल्ली से भी गर्म, कल 6 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। जालंग में नई पंचायत का बैंड बाजे से स्वागत, पूर्व प्रतिनिधियों सहित ग्रामीणों की अनूठी पहल। अब समाचार विस्तार से। जिला कांगड़ा की पुलिस चौकी थुरल के तहत घुड़बल्ल गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 75 वर्षीय रिखुराम की उसके बेटे मदन लाल ने डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों बाप बेटा घर में अकेले रहते हैं। सोमवार रात को किसी बात के लिए दोनों के बीच बहस हुई और बेटे ने डंडे से अपने बाप की पिटाई कर दी और बेहोशी की हालत में घर के बाहर फेंक दिया। सुबह लोगों ने रीखू राम की लाश घर के बाहर पड़ी देखी तो उन्होंने शोर मचाया, जबकि बेटा घर के अंदर ही था। सूचना मिलने पर थुरल चौकी से ASI जगदीश चंद मौके पर पहुंचे और आरोपी मदन लाल को गिरफ्तार कर लाश को कब्जे में ले लिया। बवारना थाना के प्रभारी रमेश ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मदन लाल के खिलाफ अपने ही पिता की हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल के लोग भी अब अपने स्वास्थ्य को लेकर दिन प्रतिदिन लापरवाह होते जा रहे हैं। राज्य में मधुमेह से ग्रसित मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ने लगा है। शुगर का बढ़ना काफी ज्यादा खतरनाक होता है। गौर रहे कि अकेले प्रदेश में ही तकरीबन 11.5% लोग मधुमेह की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा 50% लोग ऐसे हैं जो मधुमेह की जांच ही नहीं करवाते हैं। भारत के शहरी इलाकों में मधुमेह के रोगियों की संख्या 13% है, जबकि हिमाचल में 1% ज्यादा यानी 14% लोगों को मधुमेह है। IGMC चिकित्सक डॉक्टर मोक्टा ने बताया कि 126 से ज्यादा का मधुमेह लेवल बढ़ी हुई शुगर का संकेत है, जो कि चिंता का विषय है। मधुमेह का मुख्य कारण मोटापा है। हिमाचल के 38% लोगों में मोटापा है। 61% लोग निष्क्रिय रहते हैं, जबकि 3% लोग सक्रिय व 5% अति सक्रिय रहते हैं। खान पान भी मधुमेह का मुख्य कारण है। हिमाचल के 31.2% लोगों का रक्तचाप बढ़ा हुआ है, जो कि भारत के 32% के लगभग ही है। हिमाचल के पूर्ण राजत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर प्रस्तावित रथ यात्रा प्रदेश के 50 वर्षों के शानदार सफर को लेकर लोगों में अपनत्व की भावना उत्पन्न करेगी। ये रथ यात्रा 15 अप्रैल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा में प्रदेश के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। रथ यात्रा संबंधित क्षेत्र की 2-3 पंचायतों के सभी क्लस्टर से होकर निकलेगी। कोविड में लंबे समय से बंद रहे लाहौल स्पीति के पर्यटक स्थलों को एक बार फिर से पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। 17 फरवरी से टूरिस्ट यहां घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए आ सकते हैं। स्पीति टूरिज्म सोसाइटी की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में यहां की टूरिज्म सोसाइटी ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की और सभी के सुझाव पर विचार करने के बाद स्पीति घाटी को पर्यटकों के लिए खोलने का फैसला किया गया है। नए सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर काम होना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है और विभिन्न विभागों को इसमें जोड़ा गया है। ऐसे में विभागों की ओर से अब तक शिक्षा नीति पर क्या खाका तैयार किया गया है, इस पर समीक्षा बैठक की जानी है। 12 फरवरी को पीटर हॉफ में उच्चतर शिक्षा परिषद के सदस्यों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अहम बैठक होनी है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों के प्रिंसिपल शामिल होंगे। प्रदेश में भले ही वैक्सीन आ गई है, लेकिन कोविड का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को SOP के नियमों के तहत खोला जा रहा है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों से लेकर कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों समेत कोचिंग केंद्रों को खोलने के लिए भी अब SOP के नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। SOP में कहा गया है कि केवल अभिभावक की लिखित अनुमति के बाद ही छात्र कोचिंग सेंटर आ सकते हैं। भारतीय सेना में युवाओं के लिए भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन प्रदेश के 4 जिलों के लिए 18 से 25 मार्च तक ऊना खेल मैदान में होगा। यह जानकारी भर्ती निदेशक शिमला कर्नल तनवीर सिंह मान ने दी। उन्होंने बताया कि 18 से 25 मार्च तक सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर द्वारा शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती का आयोजन होगा। गौर रहे कि यह भर्ती सैनिक फार्मा पदों के लिए होगी। उन्होंने बताया कि मापदंड एवं योग्यता के लिए सेना भर्ती कार्यालय शिमला द्वारा जारी 1 फरवरी की अधिसूचना भारतीय सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने युवाओं को दलाल, धोखेबाज एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचने की सलाह दी। देरी से वेतन मिलने के कारण कर्मचारी HRTC प्रबंधन से नाराज हैं। कर्मचारियों ने HRTC को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। HRTC कर्मचारियों का कहना है कि अगर HRTC प्रबंधन इस बार 10 फरवरी से पहले कर्मचारियों को वेतन नहीं देता है तो कर्मचारी काम नहीं करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम संयुक्त समन्वय समिति के महासचिव विद्यासागर व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि HRTC प्रबंधन लॉकडाउन के बाद से कर्मचारियों की सैलरी देरी से दे रहा है। जनवरी माह में महीने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले सैलरी दी गई थी, जिससे कर्मचारियों का रोष अब आंदोलन बनकर फूटने को तैयार है। बर्फबारी के लिए मशहूर शिमला में इस बार अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। सर्दियों के मौसम में जहां बर्फबारी से शिमला का मौसम ठंडा रहता है, तो वहीं इस बार यहां का मौसम राजधानी दिल्ली के तापमान को टक्कर दे रहा है। पिछले 1 महीने से प्रदेश में बारिश व बर्फबारी नहीं हुई है। लगातार धूप खिलने से शिमला में तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि 3 फरवरी से बारिश व बर्फबारी के आसार जताए हैं, लेकिन बर्फबारी से पहले शिमला का तापमान दिल्ली से भी अधिक हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री चल रहा है, तो वहीं हिमाचल की राजधानी शिमला का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि चंडीगढ़, अमृतसर, अम्बाला व हिसार भी शिमला से ठंडे हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो प्रदेश में बुधवार को बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। जयसिंहपुर उपमंडल के तहत जालक पंचायत के पूर्व प्रधान व गांव के लोगों ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का पदभार संभालने पर बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। पंचायत की पूर्व प्रधान ऋतु धीमान व पंचायत के लोगों द्वारा इस बार नई शुरुआत की गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान प्रमोद राणा, उप प्रधान राकेश पटियाल व वार्ड सदस्यों के साथ पूरे गांव में लोगों का धन्यवाद भी किया। बाद में पूर्व पंचायत प्रधान ऋतु धीमान ने पिछले 5 वर्षों के दौरान जालक पंचायत में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा गांव के लोगों व नई पंचायत के समक्ष रखा। पूर्व प्रधान ने बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान जालक में 75 लाख रुपए के काम किए गए हैं और 44 विकास योजनाओं पर काम प्रगति पर है। इस अवसर पर उन्होंने नई पंचायत को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पंचायत के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने को कहा। इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश पटियाल ने भी नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि वो लोग एकजुट होकर पंचायत के विकास के लिए काम करें। इस अवसर पर पूर्व पंचायत प्रधान ओम प्रकाश धीमान व गांव के गणमान्य लोग मौजूद रहे। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी पूर्व प्रधान एवं उप प्रधान पंचायत सदस्यों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।